मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल व करम और उसका एहसान है कि उसने हमें यह मुबारक महीना अता किया। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस महीने और इस महीने के मुबारक साथों और लम्हों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फ़रमाए। आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं, अला इन्ना फिल जसद लमुद्गा इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। कि देखो सुनो, इंसान के इस पूरे जिस्म में, पूरे बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, एक उज़्व ऐसा है, इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, अगर वो सही तो सारा का सारा बदन सही है, और अगर वो बिगड़ जाए, उसमें बिगाड़ आ जाए, इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, तो समझिए कि सारा का सारा बदन बिगड़ गया, सारे के सारे बदन में फसाद आ गया। अला वही अल कल्ब, सुनो, गोश्त का ये लोथड़ा, गोश्त का ये टुकड़ा और जिस्म का ये एक उजू, ये दिल है, जो अपने हजम में, अपने साइज में बहुत छोटा सा है, लेकिन अपनी कारकर्दगी में यही सब कुछ है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जानिब खास तवज्जो दिलाई। दिल क्या है? सुम्मी अल-क़ल्बु क़ल्बन लिअन्नहु यन्क़लिब। दिल को, कल्ब को कल्ब इसलिए कहते हैं, इसलिए कि ये बदलते रहता है, पलटते रहता है, और दिल के अंदर ही नीयतें होती हैं, यहीं से नीयतें होती हैं। इसे सलफ़ में से किसी ने कहा था, मा आलजतु शैअन अशद्द अलैया मिन नियति फइन्नहा तन्क़लिबु अलैया। कहा, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे, सबसे ज़्यादा परेशानी किसी चीज़ में हुई है तो वो मुझे अपनी नीयत को संभाले रखने में होती है। अपनी नीयत को साफ रखना, खालिस रखना, और उसे हमेशा उसमें किसी भी किस्म का मिलावट, किसी भी किस्म की रियाकारी, किसी भी किस्म का शायबा ना आए, उसको इस तरह मेंटेन करके रखने में मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। क्यों? लिअन्नहा तन्क़लिबु अलैया, ये बदलते रहती है इसकी कैफियत। अभी ठीक तो अभी अगले पल में जो है मामला बिगड़ सकता है, अभी नीयत खालिस है और अगले ही पल में जो है शोहरत की तलब, नामो नमूद की ख्वाहिश, रियाकारी और दिखावे की चाह, लोगों में नाम पाने की भूख, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत आसानी से आ जाया करती हैं। इसीलिए ये दिल जितना आपके लिए है उतना ही आपके खिलाफ भी है। इसीलिए कहा कि अगर ये सवर जाए, सुधर जाए, तो समझिए कि सारी ज़िंदगी और इसकी बुनियाद पर जो है आखिरत के फैसले भी सवर जाएं। और दिल की कैफियत कुछ ऐसी है, कहा गया कि इसे ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, ये कभी मुर्दा ना होने पाए। और दिल ज़िंदा रहते हैं अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नाम से, कुरान करीम की तिलावत से, और ज़िंदगी को रब की बताई हुई ताअतों और इताअतों पर अमल करके। दिल ज़िंदा, मुझे डर है कि तू मर ना जाए, कि ज़िंदगानियाँ इबारत है तेरे जीने से, और अगर इसे जीना है या इसे जो है इसे ज़िंदगी बख्शना है या ज़िंदगी पर बाकी रखना है, तो सबसे पहला काम यह है कि अपने दिल के सिलसिले में मुझको और आपको डरते रहना चाहिए। यह अनस रज़ी अल्लाह अन्हु है, जिक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा हमने ये दुआ मांगते हुए देखा, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी आला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों को उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना, मेरे दिल को अपने दीन पर बाकी रखना। और हमने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आमन्ना बिका, हम आप पर ईमान लाए, आप जो वही लेकर आए, जो कुरान लेकर आए, आप जो पैगाम लेकर आए, हमने उस पर भी ईमान लाया, उसकी भी तस्दीक की, फहल तो खौफ अलैना, आपको हम पर भी खौफ है कि हम कल के दिन फिर जाएंगे, कल के दिन बदल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो दिल है ये रहमान के दो उंगलियों के दरमियान है, युकल्लिबुहा कैफ यशा, वो जैसे चाहता है उसे पलट देता है, जैसे चाहता है उसे फेर देता है। इसीलिए देखिए सलफ बहुत ज़्यादा अपनी आखिरत की, अपने आखिरी वक्त का की फिक्र किया करते कि इंसान आज खैर पर है, आज भलाई पर है, हमारा आखिरी वक्त कैसा होगा
अल्लाह बेहतर जानता है। इसीलिए कहा गया कि बिल्कुल आखिरी औकात में, या फिर ऐसा कहिए कि क़ियामत के करीब ऐसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सुबह के वक्त मोमिन होगा, शाम होते होते ईमान की दौलत से महरूम हो चुका होगा। शाम के वक्त वो मोमिन होगा, सुबह होते होते ईमान की दौलत उसके हाथ से छिन जाएगी और सुबह को वो काफिर हो जाएगा। लिहाजा जिनका ईमान सुबह से लेकर शाम तक गारंटीड नहीं है, जिनके ईमान की जमानत शाम से लेकर सुबह तक नहीं है, उन्हें किस कदर ज्यादा अपने दिल में दिल की फिक्र करनी चाहिए, उन्हें किस कदर ज्यादा जो है अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि रमजान का ये इब्तिदाई आशरा ईमान पर है, अमल साले पर है। जिस कदर हो सके टूटी फूटी इबादत की तौफीक मिल रही है, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये दूसरे अशरा या आखिरी अशरा कैसा गुजरे। अल्लाह से जिस कदर आप फिक्र करेंगे, उसी कदर दुआ करेंगे कि परवरदिगार मेरे दिल को जो है तू साबित कदम रखना अपने दीन पर, मेरे दिल को अपने साबित कदम रखना नेक आमाल पर, मेरे दिल को तू साबित कदम रखना अल्लाह के जिक्र पर, कुरान की तिलावत पर, सियाम पर, क़याम पर, और इन सारे खैर के कामों पर कि कहीं जो है मैं राह न भटक जाऊं, राह गुम करदा ना हो जाऊं। और बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के आखिरी मंजिल पर, जो कि आखिरत की पहली मंजिल होगी, जब हमारी सांसें उखड़ रही हों, तो उस वक्त भी परवरदिगार अहसन खातिमतना, हमारा जो है खातिमा खैर फरमाना, हमारा खातिमा बेहतर करना। ऐसा ना हो कि ईमान की दौलत आज है, माज अल्लाह आखिर में हमें ईमान की दौलत से महरूम कर दिया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल की सोहबत मिली, अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने मैदान जिहाद में जिहाद किया, अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत किया, लिसान नबूवत से उन्होंने मुबारक कलिमात और अल्फाज सुने, उसके बावजूद भी जो है आखिरी वक्त में ऐसा उनका वक्त आया कि वो ईमान की दौलत से महरूम हो गए और बिल्कुल जो है मुर्तद होकर या काफिर होकर ईमान का अपनी जिंदगी का खात्मा किया। लिहाजा अहले ईमान की एक दुआ जो जिक्र की गई है, रब्बना लतुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, परवरदिगारा तूने हिदायत दिया है, हिदायत देने के बाद इस हिदायत की दौलत को तू छीन न लेना। ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, हिदायत के बाद हमारे दिलों को बिगाड़ न देना, हमारे दिलों में कजी न आने देना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी जानिब से हमें जो है रहमत अता करना। इन्नका अंतल वहाब, तू ही जो है रहमतें बख्शने वाला, तू ही बहुत ज़्यादा देने वाला है। तो ये जो दिल है, इस दिल की मुझको और आपको फिक्र करनी है, इसके अंदर जो दौलत है ईमान की, उसकी मुझे और आपको फिक्र करनी है। मुझको और आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्ल, अपने आने वाली जुर्रियत, अपनी औलाद के लिए भी फिक्र करनी। इसलिए देखिए, रब्बि जुनुबनी व बनी या अन्नाबुदल असनाम, कौन दुआ कर रहा है? अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है, परवरदिगारा मुझको और मेरे मेरी औलाद को बुतों को पूजने से, गैरुल्लाह की इबादत से महफूज कर लेना परवरदिगार। कितनी बड़ी बात है, खुद के लिए भी दुआ की जा रही है और अपनी औलाद के लिए भी। लिहाजा इस दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुझको और आपको दुआ करना है, क्योंकि ये दिल कभी भी लम्हों में पलट सकता है, लम्हों में फिर सकता है। यही रिवायत हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी रिवायत है कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी कौन सी दुआएं सबसे ज़्यादा हुआ करती, तो उन्होंने कहा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, क्या दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ये दुआ किया करते, और उसका एक हल ये है या एक ज़रिया ये है कि मैं और आप अपने दिल को ज़िंदा रखना चाहते हैं और हमेशा उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते हैं, तो एहतसाब का दामन हमेशा पकड़े रखना होगा। एक तो दुआ करनी है, दूसरे बहुत से ज़राए हैं, चाहे वो इबादत हो, कुरान की तिलावत हो, जिक्र अज़कार हो, उसके अलावा एक ये चीज़ है कि मैं और आप हमेशा अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमेशा एक तंबीह की छड़ी उठाए रखें, हमेशा एक अदालत जो है अपने ज़मीर की सजाए रखें। मैंने इससे पहले भी आपके सामने ये बात कही थी कि बंदा मोमिन अपने ज़मीर की अदालत में जब खड़ा होता है तो एहतसाब की अदालत लगाता है, अपने आप से पूछताछ करता है, खुद को इन्वेस्टिगेट करता है, खुद के लिए खुद से सवाल करता है, बासपुरस करता है, और उस अदालत में जज भी उसके खिलाफ होता है, वकील भी उसके खिलाफ होता है, इन्वेस्टिगेटर करने वाला, सारे सबूत इकट्ठा करके लाने वाला भी उसके खिलाफ होता है, उसके उसके खिलाफ गवाही देने वाला भी उसके खिलाफ होता है, सारी चीज़ें अपने खिलाफ करके
फिर उसी जज से अपने खिलाफ सजा सुना सुनाता है और कहता है कि यहां मैंने गलती की, यहां मैंने ठोकर खाई, यहां मुझसे कसूर सरजद हुआ, यहां मुझसे खता हुई, यहां मैंने गुनाह किया, अब मुझे बचना है। अगले लम्हे, अगले सेकंड, अगली सात, पता नहीं क्या हो, लिहाजा मुझको और आपको जिस कदर हो सके अपने दिल को काबू में रखने के लिए एहतसाब की अदालत में ज्यादा से ज्यादा अपने दिल को जो है बासपुरस करना और उस पर सवाल खड़े करने होंगे, और उससे बढ़कर कोशिश करनी यह है कि मैं और आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ये दुआ किया करते, आप भी अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करें और कसरत से दुआ क्या करें, पाबंदी करें कि या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी आला दीनिक, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी आला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत पर, अपने दीन पर हमेशा बाकी रख। यही नसीहत जब किसी ने अल्लाह के रसूल से पूछा तो आपने फरमाया था قل آمنت بالله ثم استقم, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उस पर जम जाओ। तो उस पर जमने के लिए, इस्तकामत के लिए, इस दिल में इस्तकामत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, मेरे और आपके दिलों को उसकी राह में, उसकी नेकी पर, उसकी इताअत पर साबित कदम रहने की तौफीक दे, और हमारी ज़िंदगी के खात्मे को भी ऐसा खातिमा फरमाए कि मेरी और आपकी उखड़ती सांसें भी हमारी ज़बान को इतनी मोहलत दे सकें कि उससे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमात अदा हो सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वो सुनने वाला है, हमारी दुआओं को सुने, हमारी दुआओं को शरफ़ कबूलियत से नवाजे। वल्हम्दुलिल्लाहि अव्वलु व आखिरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।